नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यू आर गॉड। देखिए, मुझे आज एक बहुत ही अच्छी पुस्तक मिली और तेरह नंबर का सूत्र ही पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने अकाट्य तर्कों के द्वारा मेरे सामने सिद्ध कर दिया कि भगवान का अस्तित्व नहीं है और मैंने उन पर विश्वास भी कर लिया। पीछे मैंने भगवान को देखा क्योंकि वे आए और उन्होंने मुझे गले लगाया। अब भला मैं किस पर विश्वास करूं? दूसरों के तर्कों पर या अपने निजी अनुभव पर? सूत्र नंबर 14। उन्होंने मुझसे कहा, ये चीजें तो भ्रम भ्रांति हैं। मैंने खोज की कि भ्रम भ्रांति क्या चीज है और तब मुझे पता लगा कि उसका मतलब है एक आंतरिक या आंतरांतिक अनुभव जो किसी भी बाह्य या किसी भी स्थूल सत्य से मेल नहीं खाता। मैं बैठ गया और मानवीय बुद्धि की करामातों पर आश्चर्य करने लगा। ये होता है भ्रमभ्रांति। जो हम नहीं जानते ना, उसे हम भ्रमभ्रांति कह देते हैं। भ्रमभ्रांति विज्ञान का शब्द है और जड़ तत्व के साथ, मतलब कि निर्जीव पदार्थों के साथ हमारे व्यापकत हो जाने के कारण जो सत्य हमसे छिप गए हैं उनकी हमारे पास अब तक भी अनियमित रूप से आने वाली झलकों के लिए वह प्रयुक्त होता है। मतलब जो कुछ भी हम नहीं जानते हैं ना, उसकी झलक जब हमको मिल जाती है ना, तो वो उसे हम भ्रम भ्रांति कहते हैं।